अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ में। ये हमारा लाहौर का ही ट्रिप है और ये लाहौर का लास्ट व्लॉग होगा। और ये हमने जी, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम जो पुराना लाहौर है वहाँ पे हमने देखा, स्टे भी वहीं पे किया था। और उसके बाद हमने डिफरेंट जगहों पे घूमे थे, उसमें हवेली है और उसके बाद शालीमार बाग है और बाकी जो चीज़ें हैं काफ़ी थी। रोड्स वगैरह पे आगे पीछे घूमे और उसके बाद हमारा जो है, हमने बादशाही मस्जिद के सामने रूफटॉप पे एक रेस्टोरेंट था, उसका नाम नहीं मुझे अभी याद, उस पे हमने शाम का खाना खाया था। और हमने आगे पीछे काफ़ी दिन को घूमा। दिन को तो हमने लोकल जो रेस्टोरेंट है वहीं पे भी खाना खाया था। और उसके बाद हम चले गए थे वाघा बॉर्डर की तरफ, जो कि पिछले वीडियो में मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और उसके बाद वापसी के ऊपर हमारा जो है शाम हो गई थी और हमने कहा था कि हमने इस रेस्टोरेंट में खाना ज़रूर खाना है। तो हमने वहाँ पे खाना खाने के लिए कि एटमॉस्फेयर उसका बहुत खूबसूरत था कि बहुत अच्छा लगा। हमने जो टॉप पे, सबसे टॉप पे था वहाँ पे जाना था, लेकिन वो पहले बुकिंग करवानी पड़ती है। तो उससे जो लोअर वाला था सेक्शन, हम वहाँ पे रुके थे और वहाँ पे हमने खाना खाया। खाना उसका स्पेशली जो सीख कबाब है, रियली मज़े के थे। आप यकीन करें कि अब ये मैं वीडियो जब अपलोड कर रही थी तो इतना मुझे वो देख के हो रहा था कि हम इधर गए थे और हमने इतना एंजॉय किया था, और कबाब देख के तो मुंह में पानी भर आया। ये मेरी मेमोरीज़ हैं जो कि फॉर एवर के लिए हैं, और स्पेशली वीडियोस में आ गई हैं तो ये तो फॉर लाइफ के लिए हो जाएंगी। तो उसके बाद हमने कुछ तस्वीरें खींची थी जो कि मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूँगी। और मैं आप सबसे रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर जाएं और इस रेस्टोरेंट में या इसके जैसे और भी 3-4 वहाँ पे रेस्टोरेंट है, ज़रूर जाएं और इंजॉय करें। स्पेशली बादशाही मस्जिद का व्यू रात के वक्त इतना खूबसूरत, इतना शानदार कि मैं बता ही नहीं सकती। मुझे बहुत पसंद आया था, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको भी इसका व्यू, अगर आप जाएंगे तो ज़रूर मुझे बताइए और मुझे बताइएगा कि इसका व्यू कैसा लगा है। तो उसके बाद हमने खाना वगैरह खाने के बाद प्रोग्राम था कि ट्रेन से हम वापस जाएं, लेकिन ये हो नहीं सका। और फिर हमने कोची से वापस अपना जो होम टाउन है झेलम, वहाँ पे हम वापस आए थे। तो हम रात को तकरीबन 2 बजे अपना जो टाउन है वहाँ पे वापस पहुँचे थे। इतनी थकन थी, इतनी थकन कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। आते ही हम सो गए थे और दूसरे दिन हम तकरीबन 12-1 बजे हम उठे थे। और उसके बाद के हमारा दो तीन दिन है वीडियोस या व्लॉग्स, वो मैं आपसे शेयर करूँगी जल्द। तो मेरा ये व्लॉग देखें, अगर अच्छा लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़, इंजॉय द वीडियो, बाय बाय।